आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि आज मैंने वियर कर रखी है राजपूती ड्रेस, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल है आज। तो आज मेरे बडेर सासू माँ आ रहे हैं और बडेर ससुर जी भी आ रहे हैं, तो उनसे मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ। वैसे तो यहाँ पे वो पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट मेरे जेठानी जी का फोन आया था, उन्होंने बोला था कि अभी तो मेरे पास आएंगे, मतलब वहां पे आधा या एक घंटा लग जाएगा, फिर उसके बाद में मेरे वाले घर पे आएंगे। तो मैं फटाफट से रूम वगैरह सारा घर वगैरह मैं सेट कर देती हूँ। और आज हमें ना शादी में भी जाना है, ऋषु के पापा बस बाहर गए हैं, वो बोल रहे हैं कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा, तब तक आप रेडी रहना। तो चलो फटाफट से मैं मेरा घर का काम फिनिश करती हूँ और ऋषु को मैंने आज लगाया है अपना होमवर्क करने के लिए, क्योंकि साथ क्या होता है जैसे ना मैम पढ़ा के चले जाते हैं फिर उसको लर्न करने के लिए देके जाते हैं ना, तो वो कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी वो खेलने चला जाएगा, फिर रात को उसको नींद आ जाती है और सुबह मॉर्निंग में वो 6:30 बजे निकल जाता है, फिर 2:30 बजे वो पहुंचता है, फिर 1 घंटे के अंदर अंदर मैम आ जाती है, तो मतलब रूटीन बैठ ही नहीं पा रहा उसका। तो उसको अभी यही बोला है कि तू है ना लर्न कर लेगा ना ऋषभ, फिर उसके बाद में अपन है ना शादी में जाएंगे। तो बस वो बैठा है, वो बोल रहा है कि मम्मा 1/2 घंटे में मैं सारा काम फिनिश कर दूंगा। और फिर उसके बाद में यशविनी मेरी नहा चुकी है, मैं भी नहा ली और ऋषु को भी नहलाने के लिए मैं भेजूंगी, अभी नहीं, जब बना उसका जो भी होमवर्क वगैरह दे रखा है वो सारा फिनिश कर देगा उसके बाद में। ये देखो घर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलो। तो मेरे जो बड़े मम्मी हैं उनसे आप मेरे हिसाब से कभी भी नहीं मिले व्लॉग में, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। जैसे ही मेरा जो घर है वो सेट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में मैं फ़ोन कर दूंगी, तो मेरे जो जीजा को मैं मतलब मेरे जो जेठानी जी है वो लेके आ जाएंगे। और सीरियसली गाइस, मतलब जितना बड़ा घर होता है ना उतना ज़्यादा मेसी होता है, बच्चों की वजह से पूरा का पूरा घर ऐसे उथल पुथल मचा हुआ रहता है। तो गाइस फाइनली मैंने सारा घर सही कर दिया, अब बस किचन थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा मेसी हो रहा है, साथ में थोड़ा बहुत बर्तन पड़े हैं तो ये भी मैं साफ कर देती हूँ। तो गाइज़ बड़े मम्मी आ चुके हैं और ऋषु के पापा और अर्जुन मनार सब है ना, इनको भाबू बोलते हैं ना, तो हम भी है ना, मतलब हमारे मुंह से भी भाबू ही निकल जाता है, वैसे बड़े मम्मी हैं। और अभी आपको मैं मिलवाऊंगी मेरे बड़े पापा से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत मतलब स्वीट नेचर है। ये हमारा बेसमेंट है, मैंने आपको पहली बार ही दिखाया है, जो भी सामान वगैरह है ना हमारा हमने यहीं पे रख रखा है। तो मैं बड़े मम्मी के लिए बेस निकाल रही हूँ, यहीं पे मैंने बेस वेस मतलब जो भी जितना भी मोटा मोटा सामान है ना वो सारा मैंने यहीं पे ही रख दिया। मेरे जो ससुर जी है वो 4 भाई हैं, पापा 3rd नंबर के हैं, 1st नंबर के चूरू रहते हैं बाबूसा, और 2nd नंबर वाले बाबूसा से आज मैंने आपको मिलवा ही दिया, ये जयपुर रहते हैं। और काकोसा हुकुम से भी मैंने आप सबको मिलवाया था, वो जोड़ी रहते हैं, काकीसा के घर पे मैं जाके आई थी ना। बाय बाबू, बाबूसा बाय, घर पे जाके आपकी चोटी बनाऊंगी, फिर मैं झूलने के लिए आपको फिर से लेके आऊंगी, फिर शादी में भी तो जाना है अपन को। शादी में नहीं जाओगी? ठीक है, कितना टाइम झूलोगे आप बता दो, बता दो, 5 मिनट, 100 मिनट। यशविनी को बहुत जबरदस्ती लेके आई हूँ। बड़े मम्मी आए थे, अब बड़े मम्मी गए हैं, उनका भी एक यहाँ पे विला है तो उसको देखने के लिए गए हैं, साथ ही साथ बड़े मम्मी के जो बड़े बेटे हैं ना उनका ससुराल भी यहीं पे ही है, मतलब इन्हीं विला के अंदर है, तो वहाँ पे भी जाके आएंगे। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं, 1/2 घंटे ही रुके थे। हाँ, अब यशविनी को लेके आई हूँ, यशविनी की है ना चोटी बनाऊंगी मैं सुंदर सी। ऐसी हालत करती है घर की तो ये कृष्ण और ऋषु और हमारे देव बना देख रहे हैं तारे जमीन पे हैं यशविनी, और ये हमारी यशविनी है ना चोटी करती करती ऐसे बोल रहे, मुझे ये नहीं जो ये साड़ी है ना बहुत ही प्यारी है और इसमें जरी का काम किया गया है और साड़ी का जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट, बहुत ही लाइट वेट है। अगर आपको ये प्यारी सी जो साड़ी है वो परचेज करनी है तो स्क्रीन पे मैं नंबर दे रही हूँ, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठाकुर जी परिधान के नाम से उनके इंस्टाग्राम आईडी है तो वहाँ पर भी DM कर सकते हो।
मैंने डिसाइड कर लिया गाइस, पहनूंगी तो मैं ये वाली साड़ी ही, चाहे मेरे को आधा घंटा लेट पहुंचना पड़े। पर चलो चलते हैं, द रॉयल राजपूती कलेक्शन के पास मिल जाएगा ये वाला पेटीकोट, और साथ ही साथ वहां पे एक मेरा सूट भी स्टिच करा हुआ पड़ा है, वो भी लेके आऊंगी। हेलो, सिल गया सूट? कहाँ पे है दिखा दो मुझे अभी। तो गाइस मैंने ये वाली है ना, ये वाला जो सूट है वो स्टिच करवाया था। इसमें दो कलर है ना, एक रेड कलर है और एक ये रानी है। बुटीक आइटम है, अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो गाइस। साथ ही साथ मैं ये भी लेके चल लेती हूँ, और ये इसका ओढ़ना सिबोरी में। इसका रेड कौन सा दिखा देते हैं अपन, इसका जो सेकंड कलर है वो ये रेड वाला। फैब्रिक क्या है इसका? चंदेरी सिल्क। चंदेरी सिल्क है ना, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। ये इसका लहंगा हो गया और ये इसका ओढ़ना हो गया। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को ना। व्हाट्सएप पे है ना फोटो सेंड करी थी, दोनों ही ड्रेस मतलब दोनों ही कलर है ना पसंद आए थे मेरे को, पर रेड मैंने काफ़ी पहन लिया तो मैंने सोचा कि अब रानी करवाओ। तो इसका भी है ना सेम ऐसे ही पैटर्न है, जो कुर्ती कांचली होगा ऐसे वाले, और लहंगा होगा ये वाला। ये दिखाओ ना। वैसे वह मैं दो तीन दिन के अंदर वेयर करके आऊँगी इनके पास। दो तीन दिन लगेंगे या कल आओगे? अच्छा कल आऊँगी। काफ़ी सारा ना फैब्रिक वगैरह आ रखा है, प्योर में भी और ड्रेस कॉटन में भी, तो मैं कल दिखाऊँगी आप सबको, आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। ठीक है, अब तो आपके पास ही लग रहा है। हाँ सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्या चांदी का है क्या? ये कॉपर में है। अच्छा कॉपर में है, बहुत प्यारा लग रहा है, और कलर इतना प्यारा स्टिच करवाया है आपसे करवाया कि ये से? और ये आपने बनवाया है? सीरियसली गाइस बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब एकदम उमीर उमीर बुटीक पीस है। अच्छा अलवर से आया है क्या? तो ये अपनी आईडी पे डाला था आपने? हाँ डाला, मतलब मेरी फोटो डली हुई थी उसमें इंस्टा पे, तो उसको देख के बनवाया है। नहीं बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा है, और इसमें ना अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवा सकते हो आप, कलर भी बनवा सकते हो। और ये साटन कौन सी है? ये बैम्बर साटन। बैम्बर साटन है, ये बैम्बर साटन भी अच्छी आती है ना। ये देखो ये ड्रेस सुंदर लग रहा है, ये तो मेरे को भी करवाना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर है इसका। देखो ओढ़ना भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। द रॉयल राजपूती कलेक्शन का जो वर्क है ना एकदम फिनिशिंग के साथ है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे नहीं कि ये धागे निकल रहे कहीं से कुछ। ये देखो पूरे ओढ़ने के अंदर ऐसे ही बूटी दे दी। खोल लो, खोल लूँ क्या? खोल ही लेती हूँ। वही मेरा फिक्स। नहीं यार बहुत सुंदर लग रहा है इसका जो ओढ़ना है ना, वो ठाकुर जी प्योर ओढ़ना है। मिरर में जाके देखूंगी, सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तो पूजा की शादी में येलो कलर या फिर मेहंदी कलर करवा लूं इसमें, है ना? तो ये मेरा या तो येलो या मेहंदी करवाना पड़ेगा आपको। येलो करवा लो इसमें, क्योंकि येलो ही पूजा की शादी के अंदर है ना मैं वेयर कर लूंगी। वैसे तो है ना पता है कि सिंपल सा है ना, पूजा खुद वेयर करेगी तो भी अच्छा लगेगा ना। सही में अगर आप ब्राइड हो तो सीरियसली गाइस या तो मेहंदी के अकॉर्डिंग आप इसको परचेज कर सकते हो। देखो बिना स्टिच का भी पड़ा इसमें, इसमें रेड कलर डला है। अच्छा ये जो बूटी है ना इसमें ब्लू हो गया और इसमें देखो रेड हो गया। ठीक है गाइस अब मैं भी निकलती हूँ घर पे जाके, मेरे को साड़ी वेयर करनी है। और सच में मतलब मेरे को ना साड़ी वेयर करने में इतना ज्यादा जोर आता है, तीन चार बार मैं उसको पहनूंगी ना तब जाके वो परफेक्ट। तो गाइस फाइनली मुझे पेटीकोट का कलर भी मिल गया। मैंने ये सोचा था यार नेवी ब्लू क्या पता मिले ना मिले उनके पास, तो पेटीकोट भी मिल गया। मैं दो तीन उठा लाई क्योंकि यार है ना पेटीकोट की इन दिनों मतलब मेरी जो शादी है ना उस टाइम के पेटीकोट चल रहे हैं। अभी तक मैंने शादी के बाद में 10 साल हो गए शादी को परचेज ही नहीं किया, तो आज मैं कम से कम 3 से 4 पेटीकोट लेके आ गई। और सूट भी काफी अच्छा है जो अभी मैंने स्टिच करवाया है, सीरियसली आप परचेज कर सकते हो। फैब्रिक भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है उसकी, और येलो वाली ड्रेस है ना वो भी बहुत प्यारी है। ओहो साइड आओ ना, यहाँ पे कंफर्टेबल बैठो बेटा। ओके
तो यशविनी हो चुकी है रेडी। यहाँ पे हमारे देव बना को भी आप मिल सकते हो। ये हमारा रिशलू, हाँ हमारी यशु रानी को से भी मिल सकते हो। यशविनी मेरा सारा सामान कैरी करके रखती है। हो चुकी हूँ रेडी और मैंने नेवी ब्लू कलर की, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में भी आप सबको बताया था और आज के व्लॉग में आप सब देख ही रहे हो, बहुत ही प्यारी साड़ी है और फुल लुक भी आप सबको मैं दिखाऊंगी। जरी का इसमें वर्क किया गया है। अगर आपको भी ये प्यारी सी जो साड़ी है वो परचेज करनी है तो आप कर सकते हो। ऋषु के पापा मेरा वेट कर रहे हैं। पापा बताया मेरे तो 5 मिनट भी मेरा वेट नहीं करते। चलो हम, मैं भी निकलती हूँ। हेलो, हाँ कुकी साइड है, क्या नाम बताया हो? तो गाइज जस्ट अभी मुझे पता चला कि ऋषु के पापा के फ्रेंड की एनिवर्सरी है, तो इन्होंने मेरे को बोला कि यार 5 मिनट अपन वहां पे भी जाके आएंगे, फिर आगे शादी में जाएंगे। तो ऋषु पापा पहले बताना चाहिए ना सारी चीजें। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और ढंग का वीआर करके आती। अच्छा, ऋषु के पापा को भी अचानक से ही उनका जो प्लान था वो बताया उन्होंने। यहाँ नहीं है, आगे चलो मैं बताऊंगी। जहाँ पे मैं रील वगैरह शूट करती हूँ ना 206 के अंदर, बस वहीं पे ही उनका शायद वहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अपनी एनिवर्सरी, तो वहाँ पे अपन थोड़ी देर उनका केक वेक। पता है यशविनी को जब भी हम ना स्माइल करने के लिए बोलते हैं ना फोटो के लिए, तो इतनी स्वीट सी स्माइल देती है, ये बहुत प्यारी लगती है। वैसे ये प्यारी है नहीं, नहीं वैसे आपका तो नहीं होता ही। कहाँ जाओ? यार पता है यार, यशविनी की जो ये केक काटने की आदत है ना, सीरियसली गाइज मुझे बहुत अजीब फील करवाती है आजकल। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि किसी की भी एनिवर्सरी पे, किसी के भी बर्थडे पे अब मुझे नहीं जाना चाहिए यशविनी को लेके। मतलब हर जगह इसको ना पता इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है केक काटने का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मतलब हर दिन अपना बर्थडे मनाने के लिए सोचती है। हेलो हेलो, यशविनी तो कहीं पे भी जाती है ना खुद का बर्थडे तो मना ही लेती है। हैप्पी एनिवर्सरी यशु। मैं खिलाती हूँ ना। कॉन्ग्रेचुलेशन बना, 5 ईयर कंप्लीट हो गए आपके। आप ऐसे ही बना सरप्राइज दे रहे हो हैं ऋषु के पापा, कुछ तो सीखो यार, आप कभी भी नहीं देते मुझे। ऋषु पापा के आए हुए, ये लो। अब आप यशु क्लैपिंग करो। दिखाना मुझे भी। ओ माय गॉड, लाइट्स ऑफ। चले हाँ, ऐसे करो वैसे करो। हाँ, वैसे करो ऐसे करो। आपने फोटो कैसी ली अश्विनी? बच्चा ठीक है, बना बाय, मिलते हैं। ठीक है, इनवाइट करो कभी घर पे, घर पे आना आप। एनिवर्सरी हमने अटेंड कर ली है और काफी अच्छा लगा बना हुकुम से मिलके और बाईसा हुकुम से भी। और बाईसा से तो मैं पहली बार ही मिली हूँ, बट लगा नहीं कि मैं पहली बार ही मिली हूँ उनसे। सीरियसली गाइस, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे थे बात करने में भी और नेचर भी काफी अच्छा था उनका। और मेरे को है ना मोटिवेशन मिली है उनसे। पता उनका वेट है ना 85 था, रिसेंटली अभी उनका वेट है 59 के समथिंग। तो
तगड़ा वाला, मतलब 25 किलो वेट कम किया उन्होंने। तो मैं उनसे ना फोन पे बात करूंगी और मैं भी थोड़ा सा मेरा वेट कम करूंगी। वैसे मेरा ज्यादा तो नहीं है, उनका तो 84 था, बट मेरा अभी 72 के समथिंग है। ज्यादा कम नहीं करना मेरे को, वही 65 के समथिंग करना है, 10 किलो वेट ही कम करना है। तो वो मुझे समझा देंगे। और उन्होंने ऐसे बोला कि मैं बाहर का फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाया मैंने। हाँ, मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ, मैं मानती हूँ। ऋषु के पापा तो बस रोस्ट करने में तो है ना तगड़े वाले, मतलब फेमस हो जाओगे आप सीरियसली। कल वाले व्लॉग में है ना, वो जीजा वाला व्लॉग नहीं था क्या, पिन्नी भाईसा वाला, उसमें इतने सारे कमेंट आए कि सारे हस्बैंड एक जैसे होते हैं। रोस्ट कौन कर रही है, वो सच्चाई है बता दी। ओ माय गॉड, सच्चाई है। नहीं वैसे है ना, भाईसा ने मुझे ये भी बोला था कि आप इतने भी मोटे नहीं हो, ये भी बोला था। आज तो शादी है गाइस, आज तो मैं खाऊंगी। ऋषु के पापा आज मत रोकने लग जाना। ओके, okay, आज तो खाओ अब। तो गाइस अभी हम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने वाले हैं गांधी पथ के अंदर। ये शादी है, गार्डन कौन सा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ऋषु के पापा ही जाने, इन्होंने ही लोकेशन वगैरह लगा रखी है। और हमारे तीनों बच्चे इतने प्यार से बैठे हैं, जैसे ही मैं ना ऑफ कैमरा कर देती हूँ ना तीनों की लड़ाई होती है, और जैसे ही मैं ऑन कैमरा कर देती हूँ ना वैसे इतने शांत बैठ जाते हैं कि इन तीनों जैसे बच्चे हैं ही नहीं। शांति है ऋषु, ये लाग रहा जी ऋषु के जीवन को तो सिंसियर कोई है ही नहीं। ये हमारे, हाँ हमारे जो बना हुआ है ना गाइस, ये तो एकदम सिंसियर है। और ये यशविनी, मेरे को क्यों नहीं बोला? नहीं यशविनी तो बहुत प्यारी है, ये तो इतनी ज्यादा अच्छी है, ये तो मेरी प्रिंसेस है ना। और ऋषु के पापा भी बहुत अच्छे हैं, ऋषु के पापा ने तो थोड़ा चढ़ाना पड़ा है। ऋषु ये देखो मेरी वाली रिंग कैसी लग रही है, काफी दिन बाद में मैंने ये वाली वेयर करी है। जो ये शादी थी ना वो ब्राह्मणों की थी, ऋषु के पापा के फ्रेंड की शादी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दुल्हन बैठी है और कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं फूड खाने वाली हूँ, मैं फास्ट फूड की साइड ही जाऊँगी, मुझे खाना वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो खाना तो मैं देखूँगी भी नहीं। हमारे पास बतासी चैलेंज आ रहा है, बतासी चैलेंज मत करो ऋषु, ये बतासी चैलेंज हो रहा है हमारा। ऋषु ने खाया खाना, यश्विनी ने हमारे खाना नहीं खाया घर पे जाके, यश्विनी के लिए ना रोटी बनानी है मुझे। क्या खाया यशो बताओ फिर, रोटी कितनी पे है। यशविनी को इतनी जबरदस्ती लेके आया हूँ वहाँ पे ना, बच्चों के साथ ये खेलने लग गई थी। और अब ना इसके पापा ऐसे बोल रहे कि यशविनी आपके लिए ना मैं कल वापस आऊंगा यहाँ पे, तो यशविनी ऐसे चुपचाप बैठी है कि हाँ पापा कल मेरे को वापस लेके आएंगे। आंखें मसले जा रही है, मसले जा रही है, आंसू से रोई है ये वाली। हाँ मेरी गुड़िया देखो फिर से रोके बता रही है, ऐसे रोती मैं। यशु हमारे अच्छे वो होता है, यशविनी मुझे बहुत सुंदर लगती है। दोनों में से कल दोनों में से कोई एक बच्चे को लेके आऊंगा बेटा, कौन आएगा बता दो कोई एक। मैं चूज करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यार मोमोज होना चाहिए शादी के अंदर। पापा को है ना ये वाली वॉच मैंने गिफ्ट करी थी, आज तक ऋषु के पापा ने संभाल के रखी है। यार यशविनी है, यशविनी तो जलमी भी कोनी। हाँ ठीक है यशविनी ने करी थी, आप करी जकी कोनी है, अम्मा करी जकी है, ऋषु पापा बापी बार मनी गए थे करी जकी। अरे को ऐसी ऋषु पापा सिक्को भी मैं करी, यार मैं कौन सी करी फिर, अरमानी की बार मनी। अच्छा नहीं अच्छी लग यार ऋषु पापा हाथ में ऐसे हाथों में हाथ मिला के चलो, आप तो कोई गिफ्ट देते नहीं हो। मैं गिफ्ट दे दे के भर दी था।
पैसे किसके दे? पैसे मेरे था, मेरे को दिया है नहीं नहीं ऋषि पापा, वो वॉच दी थी उस टाइम तो मैं कमाती थी ना, अरमानी वाली वॉच दी, चलो ठीक है कमाती ना, ये वाली तो ऐसे ही मैंने बोल दिया। इसमें कितने नो डायमंड भी है, 11 11 ये देखो, ये जो है ना सर्टिफिकेट है 11 डायमंड का, ये सारे ना 11 जो डायमंड है ना इसके सर्टिफिकेट ऋषि के पापा के पास। ऋषि ऋषभ जब बड़ा हो जाएगा ना ऋषि को देना ये वाली है ना। ऋषि ये आपको चाहिए? ऋषि के पापा को इतना पता चलता है यशुनी क्या बोलने वाली है। आज हमारा जो ऋषलु है सोने जा रहा है देवबना के साथ, और कल क्या करेगा? कल देव मेरे घर आएगा। ऋषि आपको ऐसा क्यों पसंद है? वहाँ पे तो टीवी भी नहीं है, फिर भी क्या एंजॉय करोगे आप दोनों? ये सिनेमा में ले लिया है आप टीवी तो। अच्छा, तभी दोनों जा रहे हैं। था हमारा जो ऋषु है वो अपने मतलब बड़े मम्मी के घर पे जाके सोएगा, क्योंकि आज देवबना ने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि आज तू चल ले मेरे साथ, और फिर कल ना, कल भी सैटरडे ही आप सबको पता ही है, और कल का पीटीएम है, ज्यादा जल्दी उठना नहीं है उनको, और फिर संडे है, तो चक्कर में दोनों बच्चे वहां पे गए हैं, आराम से खेल भी लेंगे, और थोड़ा मतलब थोड़ा आपको भी पता ही है यार, बच्चों को खेलने का मन होता है तो वो खेल लेंगे फिर सो जाएंगे। और अब मैं किचन में जस्ट आई हूँ, मेरे को तो मैं भूल ही गई थी इन बर्तनों को कि मुझे बर्तन वगैरह भी साफ करना, मैंने तो यही सोचा था कि मैंने साफ कर दिए, बट अब जाके पता चला है। अब मैं ऊपर जाऊंगी और फिर वहां मैं ड्रेस चेंज करके फिर से नीचे आऊंगी, बट यहाँ का एक ना माइनस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ना अपन किचन में काम करते ना कोई भी नहीं रहता, नहीं तो उस वाले फ्लैट में क्या होता था, आस पास ही रहता था, रूम भी जस्ट पास में था, किचन भी पास में था, तो चक्कर में मन लगा रहता था, बट यहाँ पे मैं जब किचन में है ना काम वगैरह करती हूँ ना, सारे ऊपर रहते हैं ना, फिर मेरा मन नहीं लगता, थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है, आप सबको पता ही है यार अभी नया ही है, मैं बेसमेंट में तो जाती नहीं हूँ, डरती, रात को तो बिल्कुल भी नहीं जाऊं, तो बस अब नीचे आऊंगी और यशविनी को लेके आऊंगी। यशविनी पता है क्या, यशविनी को मैं ये बोलूंगी यशविनी मेरे को ना नीचे डर लग रहा है, प्लीज आप चल लोगे कि मेरे साथ, तो यशविनी इजीली मान जाती है और मेरे साथ यहाँ पे बैठ जाती है जब तक मैं काम करती हूँ तब तक।